नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं लाल किले के बारे में रोचक तथ्य और हिंदू पक्ष के दावे। दोस्तों, लाल किला जिसे दिल्ली का किला भी कहते हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगी पुरानी दिल्ली शहर में स्थित है। किताबों में पढ़ाया जाता है कि इसे शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, तो वहीं कुछ हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि लाल किले का वास्तविक नाम लाल कोट है, जिसे हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली को बनाने के लिए एक पुराने किले की जगह पर 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया, जो 1648 में पूरा हुआ। जब 1648 में लाल किले का उद्घाटन किया गया, तब इसके मुख्य कमरों को कीमती पर्दों से सजाया गया। तुर्की की मखमल और चीन की रेशम से इसकी सजावट की गई। इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से उस समय का सबसे महंगा किला था। 1 करोड़ रुपए में से इसके शानदार महल को बनाने में खर्च की गई थी। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक लाहौर गेट और दूसरा दिल्ली गेट। लाहौर गेट आम सैलानियों के लिए था और दिल्ली गेट VIPs के लिए। लाल किला भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। लाल किले को घेरने वाली खाई को यमुना के जल से ही भरा जाता है। लाल किले को बनाने के लिए लाल बालू पत्थर का प्रयोग किया गया, जिसके कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किले की दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर है, जबकि शहर की ओर 33 मीटर है। अंग्रेजों ने इस किले के रिहायशी स्थानों और बगीचों को नष्ट करने के लिए वहां पर सेना के लिए परेड ग्राउंड बना दिए। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर इसी किले में केस चलाया गया। उसके 2 बेटों को गोली मार दी गई और बादशाह को रंगून जेल भेज दिया गया। इस तरह 3 सदियों से चले आ रहे मुगल राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। देश की आज़ादी के पश्चात लाल किले को भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया। 22 दिसंबर 2003 को सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया। 2000 में भारत पाकिस्तान के बीच चल रही शांति वार्ता में अड़ंगा डालने के लिए दिसंबर 2000 में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने इस पर हमला किया, जिसमें 2 सैनिकों समेत एक अन्य नागरिक की मौत हो गई। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हिंदू पक्ष के दावे क्या कहते हैं। हिंदू पक्ष के अनुसार लाल किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, परंतु कई लोग ये मानते हैं कि इसे पृथ्वीराज चौहान के नाना महाराज अनंगपाल तोमर द्वारा बनाया गया था। इसके पहले से बने कुछ भागों में बदलाव करवाया था और कुछ बाग बगीचों का निर्माण करवाया था, अर्थात इससे छेड़छाड़ की थी। सुअर यानी कि वराह, भगवान विष्णु का अवतार, मुंह वाले 4 नल अभी भी लाल किले के एक खास महल में लगे हैं। क्या ये शाहजहां के इस्लाम का प्रतीक चिन्ह है या हिंदुत्व का प्रमाण? लाल किले के प्रमुख द्वार पर बाहर हाथियों की मूर्ति है। हिंदू राजपूत राजा गज के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि इस्लाम में मूर्ति चाहे किसी भी किस्म की हो, उसका सख्त विरोध करता है। एक भी इस्लामी शिलालेख में लाल किले का वर्णन नहीं है। इसके सिवाय और भी कई तर्क हैं जो हिंदू पक्ष के द्वारा दिए गए हैं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी राय और सुझाव लिखकर आप हमें बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।